कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस समय जो वर्ड आपको चाहिए होता है आपको याद नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए है। वोकैबुलरी क्या होता है हम सब जानते हैं, और इस वीडियो में हम वोकैबुलरी इंप्रूव करने के टेक्निक्स देखने वाले हैं। कीप एन ऑर्गेनाइज्ड वोकैबुलरी नोटबुक। हम हर रोज यहाँ नए नए शब्द यहाँ वहाँ देखते रहते हैं और हर एक वर्ड्स का मीनिंग हमें नहीं पता होता है, तो हम क्या करेंगे ना, इन सारे वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ एक सेपरेट नोटबुक में नोट करके रखेंगे। विच लीड्स अस टू सेकंड पॉइंट, लुक एट द वर्ड्स अगेन एंड अगेन। जो कुछ भी वर्ड्स आपने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है उन सारे वर्ड्स को आप रिवाइज करते रहना, तभी याद रहेगा। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने। रीड रीड रीड। वर्ड्स को आप जितने बार देखोगे उतना अच्छा याद रहेगा। तो अब क्या करो ना, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को एक पीस ऑफ पेपर में या एक स्टिकी नोट में लिख कर कहीं ऐसी जगह पेस्ट कर देना जहाँ बार बार देखोगे या बार बार जाओगे। यूज द न्यू वर्ड्स। जो कुछ भी नए वर्ड्स आपने पढ़े हैं उन सारे वर्ड्स को डेली लाइफ सेंटेंसेस पे यूज करके प्रैक्टिस करना। जब आपको वर्ड्स का एप्लीकेशन पार्ट समझ आ जाता है उसे याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। पजल्स एंड गेम्स। पजल्स और गेम्स कोई भी एक नई चीज़ सीखने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। आपको प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में कई ऐसे ऐप्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप वोकैबुलरी बहुत ही आसान से सीख सकते हो। लर्न विद अ फ्रेंड। इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पार्टनर की तरह एक दोस्त हो तो इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी तरह वोकैबुलरी के लिए भी एक दोस्त हो तो बड़े ही मजेदार तरीके से आप सीख सकते हो। अगर आपके पास भी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए कोई टिप्स है तो हमें कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।